दो साल के लंबे आराम के बाद अब शमिता शेट्टी अपनी आने वाली फिल्म कैश को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। शमिता ने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी ठीक उस समय की जब उनकी बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी बटोर रही थी ऑडियंस की वाहवाही। कहीं शमिता शिल्पा से कंपटीशन तो नहीं करना चाहती? इट वुड बी वेरी स्टूपिड टू कंपेयर अस एक्चुअली बिकॉज ए वी आर टू कंप्लीटली डिफरेंट पीपल एंड शी हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज़ वेल। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट शी कैन डू दैट आई कांट एंड यू नो वाइस वर्सा। सो आई मीन देयर आर नो कंपैरिजंस। शमिता ने अपनी हर फिल्म में अपने लुक के साथ किए हैं कई एक्सपेरिमेंट्स, पर उनके ये एक्सपेरिमेंट्स उनको कोई हिट फिल्म नहीं दिला पाए। और जब शिल्पा ने अपने कमबैक के साथ हासिल की एक रियलिटी शो में जीत और एक हिट फिल्म, तो शमिता ने भी अपनी बड़ी बहन के स्टाइल को कॉपी करने का फैसला कर लिया और अब दोनों बहनों में फर्क करना हो रहा है मुश्किल। मेनी पीपल से वी लुक अलाइक बट आई जस्ट डोंट सी इट। आई रियली एंड शी सेज द सेम थिंग। You know, I guess we can't really make out. I don't really think we look alike. But at the end of the day, we're sisters. So if people think we look alike, then it's natural. शमिता की पहली ही फिल्म मोहब्बते हिट होते ही उनके हाथ आए थे ढेर सारे ऑफर्स। इनमें से कुछ को शमिता ने ठुकरा दिया तो बाकी फिल्मों की वजह से शमिता के हाथ आई नाकामयाबी। पर फिर भी शमिता को इस बात का नहीं है कोई अफसोस। When I hear a subject, when I hear a script, if it appeals to me, if I'm 100% sure about it, then I go ahead and I do it. I've made a conscious effort, you know, to do some good work. Like I said, I'm here to do quality work. Quantity is something that never really excited me. So I can do my best. I mean, the rest is left up to the audiences and, you know, somebody up there. कैश से शमिता काफी उम्मीदें लगा के बैठी है।